And that is why, starting from next month, I'm going on this 60 days long backpacking journey across the India. माना कि बहुत से challenges हैं, जैसे कि budget नहीं है properly and कुछ properly plan भी नहीं है, hot climate, remotely work करना पड़ेगा. Wait, what? क्या मतलब record बटन टाइम पे प्रेस नहीं हो रहा था? ओके, कितना कब से प्रेस नहीं हुआ? स्टार्टिंग से. ओके, कब प्रेस हुआ है? वाओ, तो अब क्या? या स्टार्टिंग से फिर से करते, व्हाई नॉट? तो व्हाई नॉट? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग देन, आई गेस. कंटिन्यू रखो, काटो मत. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से, जहाँ से मेरे को ये आइडिया आया कि क्यों मुझे करना चाहिए. सो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज गोइंग. व्हाट योर नेम? माय नेम इज गौरव. गौरव, थैंक यू. आपका नाम केजरीवाल? दिल्ली से ही हो आप भी? यस. गुड टू मीट यू. ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. एंड आज की इस वीडियो में कुछ खास है, बिकॉज ये अभी तक की सबसे डिफरेंट होने वाली है और उसके बहुत सारे रीज़न हैं. सबसे पहले रीज़न तो अभी देख सकते हो मेरे पीछे कि अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन में. इसकी एक खास बात है, वैसे तो हम कभी भी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बहुत से ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, हमारे बसेस हैं, हमारे एयरप्लेन्स, और आजकल तो एयरफेयर्स इतने सस्ते हो गए हैं कि बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन चुका है ये. लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो भी बहुत बहुत पहले से चलती आ रही है और अभी भी लोग इसको अपना मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट समझते हैं जब भी उन्हें कहीं पर ट्रैवल करना होता है, दैट इज़ रेलवेज. और अब रेलवेज के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्यों लोग रेलवेज को प्रेफर करते हैं, ये अनाउंसमेंट हो रहे तो अब बता दूँ. ओके, तो मेरे को पता नहीं यहाँ पे अनाउंसमेंट कब ख़त्म होगी, क्योंकि अभी एक गाड़ी जो है वो कैंसिल हो गई, तो अभी इसी की अनाउंसमेंट चली जा रही है. लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि लोग आज के समय में रेलवेज को इतना क्यों प्रेफर करते हैं, तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि हमेशा से एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहा है. तो सेकंड एसी कोच हो, आई मीन इतना नहीं होता है, काफ़ी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कंफर्ट की बात करें तो सेकंड एसी कोच, फर्स्ट एसी कोच एंड एक ज़माने में थर्ड एसी कोच भी बहुत कन्वीनियंट वे माना जाता था ट्रैवल करने का. आपको छोटे से छोटा ट्रैवल करना हो या फिर बड़े से बड़ा ट्रैवल करना हो, कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए थर्ड एसी भी कन्वीनियंट वे माना जाता था. उससे नीचे जोन से भी कोचेस होते हैं, हमारे सिटर होते हैं, स्लीपर होते हैं, उसको लोग इतना कन्वीनियंट नहीं मानते हैं. और वहाँ पे हमेशा से ही और बहुत टाइम से ही जो लोग ट्रैवल करते थे वो बिना रिजर्वेशन के भी ट्रैवल करते थे. लेकिन अभी जो क्या है, सिनारियो चेंज हो गया है. जो थर्ड एसी कोचेस हैं, अब काफ़ी टाइम से ऐसे रिव्यूज़ ऐसे सुनने को मिल रहे हैं, लोग ट्विटर पे इतना बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोगों ने इतना बोलना चालू कर दिया है कि थर्ड एसी कोच जो एक ज़माने में एक कन्वीनियंट वे हुआ करता था ट्रैवल करने के लिए, अब उसमें भी थोड़ा सा डेंट आने लगा है. इस वीडियो में जो भी कुछ होगा वो सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा, सब उसी के बेसिस पे रहने वाला है जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस करूँगा. तो अभी मेरे को खुद को नहीं पता कि मेरे को कैसा एक्सपीरियंस होने वाला. अगर वो बुरा होता है तो इट्स बिकॉज वो मैंने एक्सपीरियंस करा, मैं बस वो शेयर करूँगा. अगर वो अच्छा होता है तो इट्स बिकॉज वो हुआ है और मैं वो शेयर कर रहा हूँ. कुछ बायस नहीं है इसमें, सिर्फ वही है जो मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ. एंड कैसे इट ऑलरेडी, मैं नई दिल्ली से अमृतसर थर्ड एसी कोच में ट्रैवल करने जा रहा हूँ. तो पूरे 1.5 घंटे के डिले के बाद फाइनली हमको हमारी ट्रेन के दर्शन हुए. एंड इतनी भीड़ को देखकर मन तो कर रहा था कि वापस लौट जाऊं. जो डर था वही हो रहा है, बहुत भरी पड़ी है. ये ऑलरेडी इतनी भरी पड़ी है, अभी हम ऑब्वियसली यहाँ पे तो उतरेंगे तो डर सा लगा. और डर इस चीज़ का नहीं कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, डर इस चीज़ का कि सीट मिलेगी या नहीं. और अभी तक तो सीट मुझे मेरी दिखी भी नहीं थी कि ट्रेन ने चलना भी चालू कर दिया था. और जब मैं अपनी सीट पे पहुंचता हूं तो पता चलता है कि सबके सीट नंबर चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरे ट्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी थी और उसकी वजह से भीड़ बढ़ती जा रही. एंड देन अनहाइजीनिक टॉयलेट्स. तो हम सारे यहाँ पे बैठ के यही डिस्कस करते थे. आप बताइए, आपका अभी तक कैसा आपके हिसाब से कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? जब मैंने बाहर से स्टार्ट किया एंटर करते समय और ये दिक्कत आ गई इधर से अंदर से बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो इधर से सामान भी जा रहे हैं और उधर से करने वाले भी हैं। तो यहाँ पर हमारे वेस्ट हुए लगभग 15 मिनट वेस्ट हुए। नहीं, ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये यहाँ के विंडो से व्यू है। और अगर किसी इंसान को यहाँ से नॉर्मल सा व्यू चाहिए, उसके लिए उसको गेट पे जाना पड़ेगा विदाउट एनी इफेक्ट्स। और फिर मैं देखता हूँ कि लोग धीरे धीरे किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी हो गए। फिर वो मेरी नकल करते हुए वहाँ के बच्चे व्लॉग ही क्यों ना बना रहे हो, एंड उसी के साथ शुरू होती है मेरी वहाँ के फेलो पैसेंजर्स के साथ अनएंडिंग बातें। मान लो कि ट्रेन के इनकन्वीनियंस ने ना हमको एक रीजन सा दे दिया था बात करने का, जो कि अब वंदे भारत जैसी ट्रेन में शायद ही मिले। मेरा तो यही है कि लोग बोलते हैं इसको कि गरीब रथ है इसलिए नहीं आना चाहिए, मतलब गरीब रथ है इसलिए यहाँ पे इतनी सुविधाएं कम है। बट पॉइंट गरीब रथ का फिर पॉइंट ही क्या हुआ? अगर मतलब आई गेस गरीब रथ चालू इसलिए हुई थी ना कि देखा सीट कहाँ मिल रही है, बिना सीट देखे भी चल देते हैं। मैंने उसको जाना है, पहुँचना है, तो क्या करें? बट अभी मैंने ये नहीं देखा यहाँ पे, अभी तक ये नहीं देखा कि यहाँ पे कोई ऐसे है कि अनरिजर्व भी लोग बैठे हुए हैं। अभी तक यहाँ पे अभी तक ये तो नहीं देखा कि अनरिजर्व, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे देखे कि पूरे ऐसे कोच में सिर्फ भरे रहते हैं, सिर्फ भरे रहते, अनरिजर्व बैठे रहते हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने वो नहीं देखा। ट्रेन लंबी है, रुक नहीं रही। 2000 प्राइस दिया है। अच्छा, आप कहाँ से? अच्छा, स्टार्टिंग से अम्बाला तक 2000 हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, वह उतना क्लीन नहीं है 2000 के साथ। बिल्कुल अकॉर्डिंग प्राइस, जैसे गरीबों के लिए बनी थी ना, वो चीज नहीं है मिली मेरे को, नहीं कंफर्ट जोन मिलना चाहिए। हां मिलना। ओके, थैंक यू। अब ठीक है, मैंने मेरी बात और वहां के फेलो पैसेंजर्स की बात तो कर ली, लेकिन अभी भी स्टाफ से पूछना बाकी था। मेरा नाम लालजी जी। हां जी, यहां पे एक मिनट रुक जा, काट दे। अरे वैसे बहुत सही बात है ये। अच्छा, कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? मुझे हो गए 4 साल। कितने? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। कैसा लगता है अभी यहाँ पे ऐसे काम करके? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, शुक्र है। वगैरह में भी देखा है कि ऐसे ही लोग आते हैं बिना फ्रेश करे चले जाते हैं। भैया पास ये फिर कोई बात होगी ना, पैसेंजर सही हो तो कुछ भी हो सकता है। आज तक हुआ है कभी ऐसा? अरे आज तक हुआ है कभी ऐसा? हाँ, कई बार होता है गाड़ी में, कई बार होता है, ठीक है ना। कई बार पैसेंजर अच्छे होते हैं, कई बार बुरे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो अपना सफाई करके चले जाते हैं, जो बुरे होते हैं वो आपको पता ही है। ये बात चलो किसी तक, किस चीज तक पहुँचेगी, ठीक है ना। मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, पेट्रोल की कंप्लेंट कम से कम 15-20 मिनट तक ना करे, ठीक है। कई लोग आते हैं पेट्रोल नहीं मिलता, ठीक है, जिस स्टेशन से चढ़ते हैं वहाँ ही कंप्लेंट कर देते हैं। अभी चढ़े होते हैं कंप्लेंट कर देते हैं, पेशेंस नहीं है। ये बात है, वो कोई बात आ गई ना फिर से। ये बात क्राउड का भी हमें कोई दिक्कत, क्राउड जितना मर्जी हो, हमें ये होता कि आदमी कोई जाए ना जाए, अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो अगर सम अप करूं, so all they're expecting is some time and some etiquettes from the fellow passengers. And अब सच बोलूं ना, तो जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी और सफर भी खत्म होने वाला था, एक चीज रियलाइज हो रही थी कि these journeys are more than just commuting. अच्छा रहा, आप आए तो फिर टाइम का पता नहीं चला। आप वहाँ लोगों से बातें करना शुरू कर देते हो, इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, और फिर जब वो धीरे धीरे उतरना शुरू कर देते हैं, Then it's all gone. जैसा कि स्टाफ ने भी कहा, अगर सिर्फ पहुंचने की बात है, कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंच ही जाएगा। But it's all about how and what you make it out of it. अब I had no idea कि सिर्फ ट्रेन में सफर करना भी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ट्रेन डिलेज होती हैं, डेफिनेटली यस। हद से ज्यादा भीड़ होती है, डेफिनेटली यस। इवन टॉयलेट्स भी अनहाइजीनिक होते हैं और कचरा भी हर जगह फैला रहता है। तो हम इसको बेटर कैसे बनाएं? Well, जैसा उन्होंने कहा, there are good passenger और bad passenger, so it all starts with being a good passenger. हम at least अपनी responsibilities समझकर steps उठा सकते हैं। But on the other hand, I still believe that there is a hope. लेकिन जब तक वो टाइम नहीं आ जाता, तब तक at least हम अपना पार्ट तो कर ही सकते हैं। और अब एक और बात बोलूँ ना जो मैंने वहाँ सीखी है कि जैसे ही ट्रेन में चढ़ो जितने लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो ना कर लो। और उससे पहले भी जहाँ पे ब्रेड पकौड़े खाए उसका एक्सपीरियंस बताओ। ब्रेड पकौड़े यार, ब्रेड पकौड़े में बढ़िया थे, आलू नहीं थे, बढ़िया थे आलू नहीं थे, तेल बहुत भर के था, बहुत ज्यादा। सफर में चलता है, सफर में चलता है, एडजस्ट करना पड़ता है चीजों को, क्योंकि एक समय के बाद ये जो भीड़ भड़क्का वाला पूरा बर्थ रहते हैं ना सारे खाली हो जाते हैं। और जितना हो सके लोगों को स्टोरी सुनानी हो वो भी सुना दो, क्योंकि एक समय के बाद तो सबको अपनी मंजिल पे पहुंच जाना है। सो दैट एट द एंड यू विल बी लिविंग विद सो मेनी स्टोरीज एंड सम इंस्पिरेशंस एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन मीन्स, राइट? एंड I would say this only. Railways एक लाइफलाइन है एंड इंडियन रेलवेज इंडियन पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी लाइफलाइन है। अगर किसी को ट्रैवल करना, कम्यूट करना एक जगह से दूसरी जगह पे, दिस इज द मोस्ट बजट फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट वे। के कुछ एटिकेट्स जब बनेंगे तो बहुत कुछ सही हो सकता है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। तो अब मैं प्लान के अकॉर्डिंग अमृतसर पहुंच तो गया था, लेकिन कल से कुछ भी प्लान के साथ कुछ नहीं जाने वाला था। और यही चीज सिर्फ मेरा अमृतसर का प्लान नहीं, आने वाले जितने भी प्लान हैं सब चेंज करने वाला था। सो लेट्स डिस्कस दैट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।